वेलकम बैक गाइस। तो अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, 6 बजे खुलेगा लेकिन अभी 5 बज गया, लेकिन पैदल चलते चलते शायद तब तक ऑलमोस्ट 6 बजे ही आएगा, तो इसलिए जल्दी निकल जाता हूँ। वहाँ पे पता नहीं कितना लंबा लाइन होगा, तो सेंट्रोजिन जो सेंटर है कोविड टेस्टिंग का, वहाँ पर चला जाता हूँ। तो जाके वहाँ से फिर आपको बताता हूँ पूरा डिटेल्स। तो फिलहाल तो उबर के लिए वेट कर रहा हूँ, आने वाला है 1 मिनट में। गुड मॉर्निंग। टर्मिनल 1। तो एयरपोर्ट पहुँच गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अराउंड 5 मिनट में पहुँच गया। और मेरा टेस्ट भी बहुत जल्दी हो गया, 5 मिनट में फटाफट पेमेंट किया, टेस्ट सैंपल दिया और बस। घुसने से पहले टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। तो बोर्डिंग चालू हो गया है, 12 बजे, 1 बजे का फ्लाइट है, तो अभी बोर्डिंग के लिए जाता हूँ मैं। Requested to take their designated seats only. Only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, you realize the end awaits for you. आपका नजदीकी निकास आपके पीछे की ओर भी हो सकता है. केबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएगा। इसे इस तरह नाक को ढककर सांस लें। आपकी कुर्सी के नीचे या बगल में एक रक्षा जैकेट है। तो अराउंड 1.5 घंटा बाकी है सर, फ्लाइट दिल्ली बबल है। Directly to international transfers. Your baggage will be automatically transferred. काउंटर से ही टिकट बाय कर लिया इंडिगो का, 5:25 को फ्लाइट है। तो अभी बैगेज ड्रॉप कर रहा हूँ। स्टेशन जैसा लग रहा है। एक तो साला गर्मी इतना है, ऊपर से जगह नहीं है बैठने के लिए।
नहीं तो वहाँ गया था 27 के आसपास, तो वहाँ पे ऐसा ट्रेन स्टेशन बना हुआ था, यहाँ पे बैठ के अभी थोड़ा सा वेट करता हूँ। अभी वजह है 3 और फ्लाइट का जो टाइमिंग है 5:25 है। जब मैं स्टार्टिंग में फ्रैंकफर्ट से आया था तो विस्तारा का फ्लाइट था, तो वहाँ पे क्या है, फ्लाइट में चढ़ने के लिए आपको नेगेटिव कोविड रिपोर्ट चाहिए, तो वो मैंने करवा लिया था फ्रैंकफर्ट पे सुबह सुबह 6 बजे। तो उसके बाद जब तक फ्लाइट का बोर्डिंग किया था तब तक रिपोर्ट आ गया था, तो तब अलाउ किया मेरे को। तो उसके बाद फिर जब दिल्ली पहुंचा तो जैसे ही प्लेन से लैंड किया, उतरने के बाद बैगेज और इमिग्रेशन से पहले पहले फिर से एक RT-PCR टेस्ट कराती है लोग, 800 रुपीज़ लेते हैं। और जो कि मैं यूरोप से आ रहा हूँ तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को, तो मेरे को रिज़ल्ट के लिए वेट करना नहीं है। तो डायरेक्ट मैंने RT-PCR सैंपल दिया, उसके बाद इमिग्रेशन चेक किया, बैगेज लिया और Terminal 3 से Terminal 2 पे आ गया। उसके बाद Terminal 2 पे फ्लाइट का टिकट काटा इंडिगो, और इंडिगो वालों ने डायरेक्ट बोला कि डोमेस्टिक अगर है तो फिर टेस्ट करवाने का ज़रूरत नहीं है, अगर ऑलरेडी मेरे पास नेगेटिव रिपोर्ट है, जो कि मेरे पास था। तो मैंने उनको दिखाया जो फ्रैंकफर्ट वाला रिपोर्ट था नेगेटिव, तो उनसे बोला कि उससे भी हो जाता है। तो फाइनली गुवाहाटी पालोही आही, गुड जर्नी एपिसोड। दे बैगेज तो ले लो। আপনি কি দুটা চলায় নেকি, ওলাও চলায় উবারও চলায়? হয় ঠিকই আছে। কোনটোত বেশি ভাই, উবারত বেশি ভাই? উবারত বেশি ভাই। কিবা লকডাউন সকডাউনের খবর? তো ফাইনালি ইতনা দের বাদ ওলা বুক কিয়া, আমি যা রা হুম আরামসে, কি আমি বহুত থক গিয়া হুম, ঘর যাউঙ্গা নহাউঙ্গা। Thank you.